बच्चों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट में। मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप और आज हम इस वीडियो में देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हिस्ट्री का हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, तो उसी हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर में हमने सोचा तो ये है कि फिलहाल हम पाँच कम से कम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर देते हैं। तो उन्हीं पाँच क्वेश्चन पेपर में से मैं आपके लिए एक क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ आज, और इसको देखते हैं कि इससे ना आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा जो पेपर है वो कैसा आता है और हमें पेपर में लिखना कैसे है, सारी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी। तो मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली आप ध्यान से देखो इस वीडियो को और आप समझ जाओगे। तो बच्चों जैसे कि आपके सामने पेपर खुल गया है, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे ना ये जो पेपर लिया है हमने, ये हमने लिया है इंटरनेट से, मैंने नेट से डाउनलोड किया था। तो ये क्वेश्चन पेपर थोड़ा अच्छा नहीं बन पाया है, लेकिन मैं आपको ना पीडीएफ जो दूंगा इसकी डिस्क्रिप्शन में, वो क्वेश्चन पेपर बिल्कुल ज़बरदस्त होगा एकदम। आप उसको पीडीएफ देखोगे, आप बहुत अच्छी क्वालिटी की पीडीएफ है, वहाँ से आप लोगे। ये कौन से ईयर का पेपर है बच्चों, ये तो मुझे नहीं पता लग पाया है क्योंकि, लेकिन इसका जो कोड है, आप क्वेश्चन पेपर देखोगे ना, जब मैं आपको पीडीएफ में देखूँगा, आपको वहाँ पे कोने में कोड मिलता है 61/1/1 कुछ इस तरीके से, ये इसका कोड है। इस कोड से ही आप अगर इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको पता लग जाएगा ये पेपर कब का है। बाकी ये जो पेपर होता है बच्चों, ये हमारा होता है 80 नंबर का। आपको पता है कि 20 नंबर का हमारा जो फाइल वगैरह बनती है, उन सारी चीज़ों के नंबर लगते हैं हमारे, तो 80 नंबर का पेपर आता है। अब हम एक बार ये देख लेते हैं कि क्वेश्चन जो है वो किस प्रकार से आए हुए हैं। ये जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन है 2 नंबर का, यानी कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, चलो इसके बारे में देखते हैं थोड़ा। ये कह रहा है कि हड़प्पा स्थलों से मिले शवाधान, यानी हड़प्पा स्थल में जो शवाधान मिले हमें, जो कब्रें नहीं मिली थी, कब्रें और उससे कुछ सबूत मिले थे वो, और विशेष संस्कृति के लोगों के बीच में आर्थिक और सामाजिक भिन्नताएं प्रकट करते हैं, यानी कि जो शवाधान है, अंतिम संस्कार का जो तरीका है, वो विशेष संस्कृति के लोग के बीच में आर्थिक और सामाजिक भिन्नता को दिखाते हैं। बिल्कुल पता लगता है उससे हमें, कैसे हमें जो कब्रें मिली हुई थी हड़प्पा सभ्यता में, जिसमें मृत व्यक्तियों को दफनाया जाता था, तो उसमें आपको पता होगा कि कब्रों में कुछ उनके साथ सामान दफना दिया जाता था। वो सामान क्यों दफनाते थे, शायद, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि शायद वो इस बात पर यकीन करते थे कि मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होगा, और वो व्यक्ति उन जो दफनाया जा रहा सामान है उस सामान को शायद यूज करेगा, कुछ ऐसा ही सोचा होगा उन्होंने जब वो दफनाते होंगे, इसीलिए उसके साथ कुछ सामान दबा देते थे। तो ये जो दफनाया जाता था सामान, इसमें सामाजिक आर्थिक भिन्नताएं मिलती हैं। भिन्नताएं कैसे मिलती है, मान लो एक तरफ, मान लो मैं अमीर व्यक्ति होगा, अमीर व्यक्ति की कब्र होगी, एक तरफ गरीब व्यक्ति की कब्र होगी। तो आपको पता है अमीर व्यक्ति की कब्र में जो भी चीज़ें मिलेंगी वो क्या होंगी, वो कीमती होंगी, लेकिन गरीब व्यक्ति की कब्र में जो भी चीज़ें मिलेंगी वो क्या होंगी, वो कम दाम वाली होंगी, ठीक है। जैसे कि मान लो इसमें अगर गहने वगैरह दफनाते हैं तो वह जो भी उनके गहने होंगे अच्छे महंगे गहने होंगे, लेकिन इधर अगर गहने वगैरह दफनाते हैं तो वो जो भी होंगे सस्ते होंगे, यानी कि मन के वगैरह हड्डी से बने हुए इनके हो सकते हैं, धातुओं से बने हों। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हड़प्पा सभ्यता में दफनाई गई मिली हैं, कुछ जगह पे बर्तन भी मिले हैं, कुछ जगह पे वो जो आईना था शीशा तांबे की उस पर बना हुआ वो भी मिला हुआ है, तो कुछ कब्रों में से और सामान मिले हैं, जैसे कि उनके कपड़े वगैरह के कुछ स्रोत मिले हैं, ऐसे मतलब हमें कुछ सबूत मिले थे। उसी सबूत के आधार पे ऐसा मतलब अंदाज़ा लगाया गया था कि जो कब्रें होती थी वो सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं को दर्शाती थी, यानी कि जिसके साथ ज़्यादा महंगा कीमती सामान होता था, जाहिर सी बात है वो किसी मतलब आर्थिक रूप से वो मजबूत रहा होगा, जिसके साथ बिल्कुल सिंपल और कम कीमत वाले सामान होंगे वो आर्थिक रूप से कमजोर रहा होगा, कुछ इस तरीके के अंदाजे लगाए जाते हैं। तो ये ही था इसका आंसर, मैंने आपको सिंपल से तरीके से समझाया है। आप ज़्यादा, आपको क्या करना है, क्वेश्चन आपको समझने हैं और आपको ना इनके आंसर बुक में देखने हैं। बुक में आप अच्छे से देखोगे वहाँ आपको डीपली पता लगेगा, यहाँ मैं आपको मोटा मोटा बेसिकली आपको समझा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मुगल भारत में भू स्वामित्व के बारे में बर्नियर का विरोध क्या था। जो फ्रांसुआ बर्नियर था वो भारत में आया था, भारत में उसने भू स्वामित्व देखा, यानी जमीन को पर अधिकार को लेकर उसने अपने कुछ विचार दिए। उस विचारों में बच्चों इंपॉर्टेंट बात ये थी कि उसने कुछ बातों का विरोध करा, क्या है, अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने आपको चैप्टर में बताया था कि बर्नियर ने ये कहा था कि भारत में जो भूमि पे जो मतलब
अधिकार है ना, भूमि पे अधिकार है, वो राज्य का है। राज्य का मतलब है कि वहां पे शासन का है। व्यक्तियों के पास अपनी निजी जमीनें तो है ही नहीं, ऐसा कह रहे थे वो। कौन कह रहे थे? बर्नियर कह रहे थे कि व्यक्तियों के पास अपनी निजी जमीनें नहीं है, जो किसान है उनके पास अपने निजी खेत वगैरह नहीं है, वो राज्य के रूप में ही है सब कुछ। तो ऐसे में उसने इस चीज का विरोध करा। उसने फिर कहा कि बाकी देशों में क्या होता है कि किसानों के पास अपने खुद के निजी खेत होते हैं, तो वो, लेकिन यहाँ पे क्या है, वो किसी और के खेत हैं, यानी किसानों के पास खुद के खेत नहीं है। ऐसे में क्या होता है, किसानों का इंटरेस्ट जो होता है वो खेती के प्रति कम होने लग जाता है। कुछ इस तरीके की बातों का विरोध किया गया था। तो बच्चों यहाँ पे एक बात का हमें ध्यान रखना है कि जो बर्नियर था उसने ना भारत और यूरोप की तुलना की, और उसने यूरोप की तुलना करने के बाद ये बताया कि भारत में जो निजी भू स्वामित्व है, निजी भू स्वामित्व, ठीक है, इसका अभाव है, यानी यहाँ पे लोगों के पास उस पर अधिकार नहीं है। भूमि पे जो अधिकार है वो राजकीय स्वामित्व है, यानी राज्य का है। उसके निवासी जो हैं वो, उनका उस पर अधिकार नहीं है, इसलिए ये उसके निवासियों के लिए हानिकारक है, बेकार माना गया। उसने ये कह दिया कि मुगल साम्राज्य का जो सम्राट है वो सारी भूमि का स्वामी था, यानी जितनी भी भूमि थी उस, वो सारी किसकी थी? सम्राट की थी। वो उसको भूमि को किसमें बांटता था? अपने चेलों में, जो भी उसके, मतलब जो उसके खास रहे होंगे, जो उसके अमीर रहे होंगे, जो उसके लोग रहे होंगे, उनको बांट देता था। तो उसने, बर्नियर ने क्या कहा? बर्नियर ने कहा कि ये तो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भी खराब है, ऐसा कहा था। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ज्यादा डिटेल में नहीं बताना है, लेकिन मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए आपको 2-4 पॉइंट एक्स्ट्रा बताए हैं, आपको सिर्फ एक दो पॉइंट ही बताने थे इसके। अब आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो इसमें यह बताया गया कि बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त के बाद बहुत सी जमींदारियां क्यों नीलाम कर दी गई थी? दो कारण दो। तो बच्चों अगर आपको याद हो, अभी हम 10th चैप्टर ही पढ़ा है हमने, लास्ट चैप्टर, तो उसमें पढ़ा था कि बंगाल में जो इस्तमरारी बंदोबस्त था, इस बंदोबस्त के तहत जो टैक्स होता था वो फिक्स कर दिया था अंग्रेजों ने, कि फिक्स टैक्स है, और उस टैक्स को कौन लेंगे? जमींदार लोग जमा करेंगे। किससे जमा करेंगे? किसानों से जमा करेंगे। तो यही पूछा गया कि जमींदारों की जमीन, जमींदारी क्यों नीलाम कर दी गई थी? तो नीलाम इसलिए कर दी गई थी क्योंकि जो जमींदार लोग थे वो ना टैक्स को जमा नहीं कर पाए थे, यानी जो समय पे टैक्स नहीं जमा कर पाए थे। ऐसे में अंग्रेज क्या करते थे, कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, वो जमींदारी को नीलाम करवा देती थी। तो इसलिए करा गया था। नीलाम क्यों कर दी गई? टैक्स ना जमा करने के कारण, समय पे टैक्स ना देने के कारण। इस तरीके से हम दे सकते हैं, ठीक है, कारण। और भी कारण दे सकते हैं, कारण एक, चलो एक कारण और बता देते हैं कि मानसून के, मान लो असफलता हो जाए, अच्छी खेती ना हो, तो ऐसे में किसान जो है वो जमींदार को अपने अपना टैक्स नहीं दे पाते हैं। ऐसे में जमींदार क्या करे बेचारा, उसके पास टैक्स होगा ही नहीं, तो वो आगे नहीं दे पाता था, लेकिन इसका नुकसान जमींदार को होता था, उसकी जमींदारी का नीलाम किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 4th पे जाते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ये कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है उसके स्पष्ट कारण के कुछ साक्ष्य बताओ, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है, ये बहुत आता है क्वेश्चन पेपर में, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड है, मैंने आर लिख दिया है, आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है हमारे एग्जाम के लिए, तो आपको इन पे ध्यान रखना है, क्वेश्चन पे ध्यान से। हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? बहुत ईजी है, कुछ कहते हैं कि बाढ़ के कारण हुआ है, कुछ कहते हैं कि सूखा पड़ गया था, कुछ कहते हैं भूकंप के कारण हुआ है, कुछ कहते हैं कि बाहरी आक्रमण, आर्यों का आक्रमण, कुछ इस तरीके से बताते हैं आक्रमण, कुछ कहते हैं नदियों का मार्ग बदलना, याद आ रहा है आपको, नदियों का मार्ग बदलना, ठीक है, ये सारे कारण हो सकते हैं इसके। तो आप इनमें से, हमें 4 नंबर का क्वेश्चन है, कोई भी 4 पॉइंट हमें लिखने थे और उसको 2-2 लाइनों में एक्सप्लेन कर देना था, बस इतना ही था। तो अभी तक हमने देखो 4 क्वेश्चन पढ़े हैं। पहले में हमने ये पढ़ा था कि हड़प्पा सभ्यता में आर्थिक और वो जो सामाजिक स्तर हमें भिन्न भिन्न मिले हैं कब्रों समाधान के तरीके से, तो वो कैसे पता लगे, उसको हमने पढ़ा था। दूसरा क्वेश्चन फिर हमने क्या पढ़ा था, देख लेते हैं एक बार। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हमने बर्नियर ने क्या कहा था भू स्वामित्व के बारे में, वो पढ़ा। तीसरा क्वेश्चन हमने इस्तमरारी बंदोबस्त के बारे में पढ़ा, और चौथा क्वेश्चन हमने हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण पढ़ा। यहां से हमको क्या पता लगा कि पहले चैप्टर से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, पहले चैप्टर से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य के इतिहास की पुनर्रचना के लिए, यानी मौर्य साम्राज्य का इतिहास दोबारा से लिखने के लिए, उसकी पुनर्रचना करने के लिए इतिहासकारों द्वारा प्रयुक्त किए गए स्रोतों को स्पष्ट करो, कि कौन कौन से स्रोत हैं जो इतिहासकारों ने दोबारा से यूज किए हैं मौर्य साम्राज्य के इतिहास को दोबारा से रचना करने के लिए। तो यह बहुत आसान है, मैं आपको इसके पॉइंट लिख के बताता हूं, ठीक है।
तो देखो बच्चों, मैंने आपके सामने यहाँ पे ना पॉइंट लिख दिया, आपको आसानी होगी कि मौर्य साम्राज्य का जब इतिहास की पुनर्रचना की गई तो इतिहासकारों ने किन चीज़ों का यूज़ किया। तो उस टाइम पे पुरातत्व की वस्तुएं जो भी मिली हुई थी, जैसे कि मान लो मूर्ति, उस टाइम पे जो मूर्ति कला थी, मूर्तियाँ जो थी उसको ध्यान में रखकर इतिहास लिखा गया। अब यहाँ पे देखो दूसरा पॉइंट अगर बोले तो समकालीन रचनाएं, यानी उस टाइम पे जो भी रचनाएं लिखी गई थी। कौटिल्य, कौटिल्य कौन थे? चाणक्य, चाणक्य का नाम ही कौटिल्य था। और इनका एक और नाम था, क्या नाम था अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखे, मैंने चैप्टर के वीडियो में बताया भी है। तो इन्होंने एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र, इस बुक के नाम पे मत जाना, अर्थशास्त्र का मतलब इकोनॉमिक्स होता है लेकिन इसका मतलब इकोनॉमिक्स मत लगा देना, इसका मतलब था ये इसमें ना राजनीतिक सिद्धांत वगैरह राजनीतिक बातें लिखी गई थी चाणक्य के द्वारा, कौटिल्य के द्वारा। उन्होंने अपनी पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र रखा था, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इससे हमें पता लगता है। अभिलेख, अभिलेख वगैरह जो उस टाइम पे मिले उससे मौर्य साम्राज्य की रचना के बारे में पता लगता है। उसी टाइम पे जो जैन ग्रंथ थे, बौद्ध धर्म थे, इनके जो पौराणिक ग्रंथ मिले हैं हमको, उनसे जानकारी ली है इतिहासकारों ने। और अशोक के अभिलेख, आपको पता है अशोक तो बहुत फेमस था, पत्थर और स्तंभ, पत्थरों और स्तंभों पर उन्होंने क्या लिखा था, अपने अभिलेख खुदवाए थे, मतलब उसमें कुछ जानकारियां खुदवाई थी, लिखवाई थी। उन सारी चीजों से हमको क्या पता लगता है बच्चों, यहां से हमें पता लगता है मौर्य साम्राज्य के इतिहास के बारे में। आई होप आपको आसानी लग रहे होंगे अभी तक के क्वेश्चन। आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बच्चों, क्वेश्चन ये है कि कबीर पहले, यानी कि पहले भी और आज भी उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो सत्य की खोज में, जो सत्य की खोज में निकले हैं और रूढ़िवादी सामाजिक संस्थाओं और विचारों पर प्रश्नवाचक की दृष्टि से देखते हैं। अब यहां पे देखो आपको सारा समझ में आ गया होगा, शायद आपका रूढ़िवादी समझ में आया हो। रूढ़िवादी क्या होती है? ये कुछ पुरानी परंपराएं होती है, इसको हम अंधविश्वास भी कह सकते हैं। रूढ़िवादी वो बातें होती है जो पुराने टाइम से चली आ रही है और हम उसको बिना तर्क किए मान लेते हैं। बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अब हम बिल्ली को रास्ता काटते हुए देखेंगे, हमें एक बात याद आएगी, हमारे माँ बाप ने हमें क्या बताया कि बिल्ली रास्ता काटती है तो अशुभ होता है। अब हमारे माँ बाप को, जो हमारे माता पिता हैं, उनको किसने बताया होगा? उनके माता पिता ने बताया होगा, उनको बताया होगा कि भाई बिल्ली रास्ता काट दे तो अशुभ होता है। और वही बात हमें पता लगे, हम भी अपने बच्चों को यही बताएंगे। यानी कि ये कुछ ऐसी बातें हैं जो रूढ़िवादी बातें हैं, जो पुराने टाइम से चलते 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 चलती आ रही हैं। तो बहुत सारे लोग जो थे वो रूढ़िवादी सामाजिक परंपराओं पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, यानी उसको गलत बताते हैं। तो कबीर उनके लिए आज भी प्रेरणा का स्रोत है। क्यों? कबीर के बारे में आपको पता होगा, मैं आपको बताता हूँ, मैं पॉइंट लिखता हूँ फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। बच्चों आप देखोगे ना तो ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में बिल्कुल ऐसी कैसी लिखी हुई लाइन है, मैं आपको यहाँ पे पॉइंट लिख के बता देता हूँ। देखो कबीर जो थे वो थोड़े मतलब अलग विचारों के थे और वो बहुत सारी मतलब ये जो उल्टी पुल्टी परंपराएं थी उसका विरोध करते थे। कैसे विरोध करते थे? कबीर जो थे वो कहते थे जो सत्य है, यानी जो सत्य है वो अल्लाह खुदरत खुदा हजरत पीर, उस सत्य को अल्लाह खुदा हजरत पीर कहते थे। और वो क्या करते थे, मतलब सत्य को अदृश्य बताते थे, जो सत्य है वो अदृश्य दिखाई नहीं देता, निराकार ब्राह्मण आत्मन ऐसे कह के संबोधित कहते थे। और कबीर जो थे वो मूर्ति पूजा वगैरह इन सारी चीजों का विरोध करते थे। कबीर जो थे आपको पता होगा कि उन्होंने एक ईश्वरवाद को समर्थन किया था, ठीक है, एक ईश्वरवाद। तो यहां पे हमें एक बात लिख लेते, एक ईश्वरवाद, यानी कि एक ही ईश्वर है। इसको मूर्ति पूजा वगैरह जो होती है ना बच्चों, इसका इन्होंने क्या करा था, खंडन करा था, बेकार बताया था इसको। और इन्होंने कहा था कि जो हिंदू मुस्लिम जो हैं आपस में ये जो लड़ते हैं, मतलब अपने धर्म धार्मिक विचारों को लेकर या जो भी कह के, वो इस चीज़ का विरोध करते थे, बल्कि वो एकता के लिए कहते थे, ठीक है। और जो पुरानी रूढ़िवादी परंपराएं आ रही थी उसका तो वो बिल्कुल ही खंडन करते थे, यानी जो रूढ़िवादी परंपरा थी उसका खंडन करते थे, गलत बताते थे। तो इसीलिए आज भी वो उनके लिए सत्य, जो मतलब सत्य की खोज में निकलते हैं उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनकर उभर कर सामने आए, ठीक है बच्चों, प्रेरणा का स्रोत। तो ये है क्योंकि कबीर जो थे वो अपनी बातों से, अपने विचारों से, अपने तरीके से सबको प्रभावित करते थे और उनकी जो बातें होती थी वो कईयों को नागवार गुजरती थी। रीजन क्या था? रीजन ये था कि कबीर जो थे वो बिल्कुल सच कहते थे और जब वो मतलब मूर्ति पूजा वगैरह का ऐसी चीज़ों का विरोध करते थे तो जाहिर सी बात है जो उस चीज़ को अपनाता होगा उसको तो गलत लगता ही होगा। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि ये मुगल शासकों द्वारा अभिजात वर्ग में भर्ती विभिन्न निर्जातीय और धार्मिक समूहों में सावधानी पूर्वक की जाती थी, इसको सही से आपको बताना है, न्याय संगत ठहराए। तो बिल्कुल सही था कि जब मुगल साम्राज्य था उसमें जो अभिजात वर्ग यानी जो अमीर वर्ग भरा जाता था उसकी भर्ती जो की जाती थी वो बहुत ध्यान से की जाती थी, और जो सैनिक वगैरह थे बड़े सैनिक कमांडर वगैरह उन सारी चीज़ों को भी बहुत ध्यान से रखा जाता था। क्यों? क्योंकि जब भर्ती करते थे तो धार्मिक समूहों से सावधानीपूर्वक की जाती थी। मैं इसके पीछे रीज़न बताता हूँ, आप मेरी बातों को ध्यान से समझो। जब भी कोई भर्ती की जा रही है उसमें बहुत तरह के लोग भर्ती किए जाते हैं, कई तरह के लोग होते हैं, एक तरह के लोग थोड़ी ना होते हैं, एक ही इंसान, उसमें अलग अलग धर्म के अलग अलग जाति के लोग हो सकते हैं। तो भर्ती के वक्त ये देखा जाता था एक ही जाति के ज़्यादा लोग ना हो जाएं, एक ही धर्म के ज़्यादा लोग ना हो जाएं, एक ही समुदाय के ज़्यादा लोग ना हो जाएं, एक जैसी विचारधारा के ज़्यादा लोग ना हो जाएं। इन सबको क्यों नहीं माना जाता था? वो इसलिए ध्यान में रखते थे अगर एक जैसी जाति, एक जैसे धर्म, एक जैसे समुदाय, एक जैसे विचार के लोग भर्ती हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कल को वो मुगल जो सत्ता है मुगल साम्राज्य को चुनौती देने लगे, है ना, मुगल साम्राज्य को चुनौती देने लग जाएं। इसलिए जो भी इनकी भर्ती की जाती थी वो बहुत सोच समझ के की जाती थी और बहुत ध्यान से की जाती थी। इसका मैं आपको और पॉइंट बताता हूँ, एक ध्यान से सुनो। एक पॉइंट यहाँ पे ये भी है, मेरे को याद आ रहा है कि मुगल साम्राज्य में जब भर्ती की जाती थी तो योग्य व्यक्तियों को देखा जाता था, जो योग्य व्यक्ति होता था सुयोग्य लगता था, सही लगता था किसी काम के लिए, उसको भर्ती दी जाती थी। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं थोड़ा और आगे। उन परिस्थितियों की परख करो जिनसे 1859 में परिसीमन कानून बनाया गया था। परिसीमन कानून क्यों बनाया गया था? देखो हुआ क्या था कि जो रैयत होते थे, जो किसान होते थे, वो कर्ज लेते थे। किससे लेते थे वो कर्ज? वो कर्ज लेते थे ऋणदाता से, साहूकार से, जिसको साहूकार वगैरह कहा जाता है, उनसे कर्ज लेते थे। ऐसे में क्या था कि जो वैसे तो रूल तो ये था कि जितना मूलधन है, मान लो किसी ने 500 रुपये लिए हैं ब्याज पे, तो वो 500 रुपये से ज़्यादा ब्याज नहीं चुका सकता। मतलब पता लगे कि 500 रुपये ब्याज में लिए और 600 रुपये तो उसने सिर्फ ब्याज चुका दिया, ऐसा मतलब गलत था। लेकिन रूल के अकॉर्डिंग तो ये सारी चीज़ें गलत थी, लेकिन आप ध्यान से सुनो आगे होता क्या था। जो साहूकार होते थे वो उनसे बहुत ज़्यादा ब्याज वसूल लेते थे। एक जगह तो ऐसा भी उदाहरण मिला है कि 100 रुपए के कर्जे पे 2000 रुपए का ब्याज वसूल लिया गया, जबकि ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो ऐसे में क्या हुआ, अंग्रेजों ने 1859 में एक कानून लेकर आया अंग्रेज, जिसको बोलते हैं परिसीमन कानून, यहाँ पे दिया हुआ है। परिसीमन कानून में ये कहा गया था कि जो ऋण पत्र होता है ना, जब कोई कर्जा लेता है तो एक ऋण पत्र बनवाया जाता है जिसमें अंगूठा वगैरह लगवाया जाता था उनका, कर्ज लेने वालों का, तो ऋण पत्र ऋण बंध बोलते थे उसको। ऋण पत्र जो है अंग्रेजों ने इस परिसीमन कानून के तहत उसे बोल दिया कि ये केवल 3 ईयर के लिए रहेगा, यानी केवल 3 साल के लिए मान्य रहेगा। 3 साल में उससे क्या होगा फायदा? देखो अंग्रेजों ने ये सोचा था कि 3 साल में ब्याज जो लगाएगा वो लगाएगा, लेकिन 3 साल के बाद वो खत्म हो जाएगा, चाहे वो दे पाए चाहे वो ना दे पाए, 3 साल में खत्म खेल, अब नहीं है। यानी कि ताकि ना जो रैयत है, जो किसान है, वो कर्ज के बोझ के तले दबे ना, मरे ना, आत्महत्या ना करें, परेशान ना हो, इसलिए उन्होंने ये करा था। लेकिन आपको तो पता है कि भाई हमारे देश में कोई भी कानून आने से पहले उसका तोड़ निकाल के बैठे रहते थे। तो ये साहूकार क्या करते थे, ये बहुत चालाक थे, ये क्या करते थे, कोई रसीद वगैरह नहीं देते थे, जो भी ये कर्जा चुकाते थे उसके बदले में कोई रिसीविंग रसीद वगैरह नहीं देते थे ये। और क्या करते थे, 3 साल बाद जब वो खत्म हो जाता ना ऋण बंद, तो 3 साल के बाद उसको रिन्यू कर देते थे। रिन्यू करने का मतलब है कि उसको नया ऋण पत्र बना के दे देते थे, ले भाई आज से तेरा दोबारा से ब्याज शुरू, यानी फिर वो आगे चलता रहता था। तो इसलिए 1859 का परिसीमन कानून आया था, ये आपको बता दिया मैंने यहाँ पे। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहे हैं कि 1857 में जो विद्रोही थे वो एकता स्थापित करने के लिए कौन से तरीके अपनाते थे, आपको ये बताना है, ध्यान से सुनो मेरी बात। देखो बच्चों मैंने आपके सामने कुछ पॉइंट लिखे, आप ध्यान से देखो। इस टाइम पे क्या हुआ था, जाति का जो भेदभाव था वो खत्म कर दिया गया था। यानी ये जो विद्रोही थे उन्होंने आपस में ये कहा कि अगर हम जाति का भेदभाव करके एक दूसरे से लड़ेंगे तो हम कभी भी 1857 का ये जो विद्रोह है इसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे, आपस में ही लड़के मरेंगे, इससे अच्छा क्या है कि हम आपस में जातिगत भेदभाव को खत्म करें। तो इन्होंने क्या करा, जाति भेदभाव को खत्म किया और आपस में क्या करा, एकता स्थापित की। मुस्लिम राजा, जब मुस्लिम राजा कोई घोषणा करते थे तो सारे के सारे हिंदू भी उनके साथ आ जाते थे, यानी ये हिंदू मुस्लिम के बीच की एकता को दर्शा रहा है। अगर
हिंदू, इसी में एक और पॉइंट था कि हिंदू और मुसलमान, ठीक है, हिंदू और मुसलमान दोनों अपनी भावनाओं को एकत्रित करते हुए उन्होंने किसी भी तरह का हानि या किसी भी तरह के नुकसान के बारे में कुछ नहीं सोचा, और एक साथ हाथ मिला लिया और आपस में मिलकर क्या करा, 1857 के विद्रोह में एक दूसरे का साथ दिया। फिर उसके बाद जब मोहम्मद शाह जो थे, बहादुर शाह जफर जो थे, उन्होंने भी साथ दे दिया था आपको पता है, तो उनका साथ मिलने के बाद तो और ज्यादा मतलब ये सारी चीजें पनप गई थी। तो ये थे एकता स्थापित करने के कुछ तरीके, आपस में मिलजुल कर रहना ये सब। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये है हमारा क्या कहते हैं पैराग्राफ, इसको हमें पढ़ना है और इसका आंसर देना है। तो बच्चों मैं ये नहीं करवा रहा हूँ आपको, ये होमवर्क के लिए आपको दिया जा रहा है, आपको क्वेश्चन पेपर पीडीएफ में अवेलेबल हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दिया जाएगा, आप वहां से इसको पढ़ना अच्छे से और इसकी प्रैक्टिस करना। हम चलते हैं क्वेश्चन पे सीधा, ये आगे का क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन अच्छा है। ये कह रहा है कि महाभारत, महाभारत को छोड़ो, सबसे पहले नीचे वाला क्वेश्चन पढ़ के मैं आपको करा देता हूँ। ये कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीपों में विविधताओं के कारण हमेशा से ही लोगों के रीति रिवाज ऐसे रहे हैं जो 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक ब्राह्मणीय विचारों से प्रभावित नहीं हुए, इस कथन को स्पष्ट करो। तो मैं आपके सामने कुछ पॉइंट यहां पे लिखने की कोशिश करता हूं, आप इसको देख के समझना, उसके बाद मैं आपको ऊपर वाला क्वेश्चन भी बताता हूं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या पॉइंट बनेंगे कि हमारे देश में ना कई तरह के रीति रिवाज रहे हैं जो कि ब्राह्मणीय विचारधाराओं से प्रभावित नहीं होते। आपको पता होगा कि हमारे देश में जैन बौद्ध वगैरह भी थे, वो क्या करते थे, ये ब्राह्मणों की विचारधारा का विरोध करते थे। आपको पता है ब्राह्मणी विचारधारा जो थी उसमें जाति पाति, जाति प्रथा वगैरह बहुत थी। ब्राह्मण क्या करते थे, अपने आप को तो समाज में ऊंचा स्थान मानते थे, लेकिन बाकी जो कुछ वर्ग ऐसे थे जिनको वो बहुत निचला बताते थे, फिर वो लोग क्या करते थे, वो जैन या बौद्ध बन जाते थे और वहां पर उनको सम्मान मिलता था। तो इस तरीके से भी बहुत सारे विरोधाभास हुए हैं, और कई तरह के लोगों ने जो हमारे यहाँ पे, आपको पता होगा कि अरब वगैरह से व्यापार होने लगा था, तो व्यापार जब होता था सिक्के वगैरह आ गए थे, तो ऐसे में कई बाहर से लोग भी यहाँ पे आते थे, और वो लोग जो आते थे वो अलग विचारधारा अलग रीति रिवाज वाले थे, वो भी क्या होते थे कि यहाँ पे इन चीज़ों को नहीं मानते थे। इसके बाद हमारा जो देश था वो पूरा विविधताओं से भरा हुआ था, यानी यहाँ पे बहुत तरह के लोग रहते थे, इनकी बहुत अलग अलग तरह की विचारधारा थी, अलग अलग तरह के इनके रीति रिवाज थे, बिल्कुल मतलब डिफरेंट था। ऐसे में सभी जो थे वो ब्राह्मणों की जो बातें थे उसको नहीं मानते थे, यानी ब्राह्मणी विचारधारा से सभी प्रभावित नहीं होते थे। तो हम इसका आंसर कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। क्वेश्चन अगर ऊपर देखें तो वो कह रहा है कि महाभारत बंधुता विवाह पितृवंशिक की एक कहानी है, इस कथन को आपको स्पष्ट करना है कि महाभारत जो है एक कहानी है इन सब चीजों की जो आपके सामने लिखा है। तो चलो मैं इसके पॉइंट लिखने का प्रयास करता हूँ, यहाँ पे जगह थोड़ी कम है। देखो आपके सामने मैं यहाँ पे इन वर्डों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। बंधुता का मतलब जो होता है, अगर हम इसका डिक्शनरी में मीनिंग देखेंगे आप अगर कभी, तो आपको मिलेगा इसका मतलब कि मित्रता, दोस्ती, भाईचारा, कुछ इस तरीके से इसका मतलब मिलेगा आपको। तो और विवाह का मतलब आप जानते ही हो, और पितृवंशिक के बारे में भी आप जानते हो। तो महाभारत जो है उसमें इन तीनों के ही बारे में काफ़ी डिटेल में बताया गया। महाभारत एक ऐसी कहानी है जो हमें सत्य के आधारित मतलब सत्य की तरफ ले जाती है, और समाज की समस्याओं को बताती है किस तरीके से, मतलब समाज में क्या क्या समस्याएं उस टाइम पर रही है और आगे भी रहती आ रही है, तो उन सारी चीज़ों के बारे में पता लगता है। बंधुत्व भाईचारा आपको इसमें पता लगेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विवाह की, यहां से आपको अच्छे से समझ में आएगा। विवाह के इसमें आपको नियम बता रखे हैं, आपको ब्राह्मणीय नियम अगर आपको याद हो रहा हो आ रहा हो तो मैंने आपको इस चैप्टर में बताया था गोत्र वाला सिस्टम कि सेम गोत्र में विवाह नहीं होता है। अगर आपको ये याद आ रहा हो तो सेम गोत्र में विवाह नहीं होता है, लेकिन हमने कुछ सातवाहन राजाओं के बारे में पढ़ा था जो सेम गोत्र में विवाह भी कर लेते थे, याद आ रहा है आपको, कुछ हमने ये सारी चीजें चैप्टर में पढ़ी थी। तो ये सारी बातें यानी उसमें विवाह के नियम और विवाह की मान्यताएं और विवाह मतलब क्या क्या था वो सारी चीजें बहुत डिटेल में है, तो विवाह के बारे में हमें पता लगेगा। इस विवाह के बारे में हम गोत्र और ये सारे सिस्टम बता देंगे। पितृवंशिक समाज के बारे में आपको बता देता हूँ कि जो समाज था वो पितृवंशिक था, यानी कि जो पितृवंशिक समाज वो होता है, जैसे मान लो पिता है, पिता के बाद जब पिता की मृत्यु होती है तो उसके बाद जो उसकी संपत्ति होती है पिता की, वो किस में बांटी जाएगी, वो पुत्रों में बांटी जाती थी, यानी पिता के बाद पुत्रों में बांटी जा रही है। और पुत्रों में भी जो ज्येष्ठ पुत्र होता था यानी जो बड़ा पुत्र होता था उसको विशेष भाग दिया जाता था,
ठीक है, यानी कि पिता के बाद पुत्र, उसके बाद उसके पुत्र को, उसके पुत्र को, तो इस तरीके से जहाँ पे मतलब जो मतलब जो समाज में जो सत्ता है, कहें कि मतलब जो वैल्यू है वो मेल को दी जा रही है, मेल यानी कि मतलब पुरुष को दी जा रही है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पितृवंशिक समाज बोलते हैं, जहाँ पे पुरुष को ज़्यादा वैल्यू दी जाए। ठीक है बच्चों, तो ये था और इसके बारे में हमने इसमें डिटेल में पढ़ा है। मैं आपको सारी बातें यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आप ज़्यादा बेटर होगा, आप चैप्टर को ही वीडियो देखो, चैप्टर की वीडियो में बहुत अच्छे से मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी है, वहाँ पे आप अच्छे से समझो। यहाँ पे केवल और केवल हमें एक मोटा मोटा आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन कर देना है। फिर बात करते हैं बंधुता, तो आपको पता होगा इसमें मित्रता वगैरह के बारे में बहुत अच्छे से बता रखा है, महाभारत में बहुत सारी कहानियां थी ठीक है इसके ऊपर, तो ये सारी चीजें हमारे यहाँ से कवर हो जाती हैं। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इसमें ये कह रहा है कि ये जो विजयनगर साम्राज्य, देखो दोनों ही क्वेश्चन जो 8-8 नंबर के जो क्वेश्चन है दोनों ही एक ही चैप्टर से आ गए। अब आप ऐसे सोचो कि ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, एक ही चैप्टर से दो क्वेश्चन आ जाते हैं ऑप्शन में, तो ऐसे में क्या होता है, आपको फायदा होगा या नुकसान होगा ये तो नहीं पता, लेकिन आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आने चाहिए। कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य के राजकीय केंद्र की संरचना, महानवमी डिब्बा के साथ जुड़े अनुष्ठानों और प्रथाओं की पहचान कीजिए। महानवमी डिब्बा आपको पता है, आपको मैंने चैप्टर में पढ़ाया था अच्छे से, अगर आपको याद हो महानवमी डिब्बा एक संरचना थी जहां पे क्या होता था। चलो मैं आपको थोड़ा याद दिला देता हूं कि महानवमी डिब्बा हमने पढ़ा था कि वहां पे ना एक संरचना पाई थी, वो कुछ इस तरीके से थी, अगर मैं आपको यहाँ पे चित्र बना के बताऊं तो कुछ ऐसी ऊंची सी संरचना थी, उसके ऊपर फिर यूं बने हुए थे पत्थर के, फिर इस तरीके से, मैं ज्यादा अच्छा चित्र बना नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन आप समझ जाना, आप बुक में देख लेना, आपकी बुक में चित्र दिया हुआ है, तो वो महानवमी डिब्बा था। तो ऐसे सबूत नहीं मिले हैं कि इसमें मतलब राजा वगैरह रहते थे, रहने के कोई सबूत नहीं मिले, तो ऐसा माना गया था, इसको ना सभा मंडप भी कहा जाता था, सभा मंडप जहाँ सभा वगैरह होती हो, या फिर इसको महानवमी डिब्बा नाम दिया गया था। इसकी जो दीवारें थी वो ऊंची थी और डबल दीवारें से घिरा हुआ था, ये सभा मंडप जो था वो एक ऊंचा मंच था ठीक है, जिसमें क्या होता था बच्चों, उस मंच में लकड़ी के स्तंभ लगे हुए थे और उनमें छेद बने हुए थे इस तरीके से, और उससे क्या हुआ था कि उसके ऊपर दूसरी मंजिल जो थी वो उन खंभों से टिकी हुई थी, दूसरी मंजिल इस तरीके से, तो वहां पे सीढ़ियां वगैरह बनी हुई थी। तो ये सारा हमने पढ़ लिया। अब इसमें एक बात आप ये देखो, ये जो महानवमी डिब्बा था वो शहर के सबसे ऊंचे स्थानों पर स्थित था। महानवमी डिब्बा जो था एक विशाल काय मंच था, बहुत ऊंचा, लगभग इसकी जो ऊंचाई थी वो 11,000 ठीक है वर्ग फीट थी। अच्छा सॉरी, इसका जो आधार था, यानी वही सोच रहा हूँ मैं, 11,000 तो बहुत होता है, इसका जो आधार था नीचे वाला वो 11,000 वर्ग फीट था। इसकी अगर हम बात करें ऊंचाई की तो वो 40 फीट थी, 40 फीट ऊंचाई भी बच्चों, कम से कम 4 मंजिल की बात चल रही है यहाँ पे, 4 मंजिला जो मकान होता है कितना ऊंचा होता है, उतनी ऊंचाई थी ठीक है। तो ऐसे सबूत मिले हैं कि शायद यहाँ पर कुछ मतलब पूजा पाठ से रिलेटेड चीजें रही होंगी उस टाइम पे। तो यहाँ पे होता क्या था मैं आपको बता देता हूँ, मेन चीज यहाँ पे ना एक त्योहार मनाया जाता था, अगर आपको याद हो हम नवरात्रि बोलते हैं जिसको, उसको बंगाल साइड में दुर्गा पूजा वगैरह बोलते हैं, अलग 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 जगह पे अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है, तो ये त्योहार यहाँ पे मनाया जाता था ठीक है। ये हिंदुओं का त्योहार था जो दशहरा वगैरह आता था उस टाइम पे मनाया जाता था, ये इसको अलग अलग नामों से जाना जाता था, कहीं पे इसको महानवमी बोलते थे, कहीं पे नवरात्रि बोलते थे, कहीं पे दुर्गा पूजा बोलते थे, कहीं पे दशहरा बोलते थे, अलग अलग नामों से बोलते थे। तो इस टाइम पे क्या होता था, जब ये होता था सजावट कराई जाती थी और यहाँ पे धर्म के अनुष्ठान होते थे ठीक है, यहाँ पे मूर्ति पूजा होती थी, मूर्ति पूजा होती थी, धार्मिक अनुष्ठान होते थे, यहाँ पे जो राज्य का जो घोड़ा होता था, जो मतलब शासक का घोड़ा होता था उसकी पूजा होती थी, यानी जो घोड़े की पूजा होती थी अश्व पूजा, और बाकी जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, जैसे भैंसे वगैरह हो जाते थे इनकी बलि चढ़ाई जाती थी, यहाँ पे कुश्ती होती थी, कंपटीशन होता था बच्चों, यहाँ पे हाथी और रथों की शोभा यात्रा निकाली जाती थी, यहाँ पे राजा वगैरह आते थे वो अपना मतलब वर्चस्व दिखाते थे, उनको गिफ्ट वगैरह दिए जाते थे ठीक है। तो ये सारा जो था ये महानवमी डिब्बा है, यहाँ पे अनुष्ठान और प्रथाएं जो हैं ये होती थी, यही चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताई है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देखो एक बार मैं इसको मिटा देता हूं यहां से और देख लेते हैं हम नीचे वाला क्वेश्चन ठीक है बच्चों। अब आप एक बार देखो, मैं कलर चेंज करूं यहां से। हाँ देखो ये कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य के राजकीय केंद्र में, यानी कि बात चल रही है यहाँ पे विरूपाक्ष मंदिर और विट्ठल मंदिर की विशेष
विशेषताओं को बताना है। बच्चों अगर आपको याद हो ना, तो मैंने आपको जब ये चैप्टर पढ़ाया था वहां पे मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था कि विरूपाक्ष मंदिर और विट्ठल मंदिर, इसको याद कर लेना, और गोपुरम कमल मंदिर, ये दो तीन क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और देखा आपने ये क्वेश्चन आया भी हुआ है पेपर में। तो ये विरूपाक्ष और मंदिर, इनके बारे में मैं आपको थोड़ा बताता हूँ डिटेल। तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ विरूपाक्ष मंदिर, और इधर मैं आपको बता देता हूँ विट्ठल मंदिर। यस, आपको हैंडराइटिंग बहुत बेकार लग रही होगी क्योंकि इसमें लिखना थोड़ा मेरे लिए इजी नहीं है, फिर भी आप समझने का प्रयास करना, जल्दी जल्दी में ऐसे ही लिखा जाता है। बात कर रहे हैं हम यहाँ पे विरूपाक्ष मंदिर, ये जो बना था बच्चों, ये कई शताब्दियों तक इसका निर्माण चला था। तो आप इसे एक बात समझ सकते हो कि शताब्दियों तक अगर निर्माण हुआ है तो कितना बड़ा मंदिर रहा होगा, ये समझ लो। ठीक है, यहाँ से अभिलेखों वगैरह से पता लगता है कि ये जो प्राचीन मंदिर है ये 9वीं और 10वीं शताब्दी में बना था, 9वीं 10वीं शताब्दी में बना था ऐसा पता लगता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद इसे और बड़ा किया गया, जैसे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई इसको और बड़ा कर दिया गया, मतलब इसका निर्माण किया गया। जो मेन मंदिर था इसके सामने एक मंडप बना हुआ था, जहां पे कृष्ण देव राय जो राजा थे, राजा कृष्ण देव राय ने अपने राज्य रोहण के उपलक्ष्य में इसको बनवाया था। ठीक है, तो यहाँ पे देव जो देवालय थे वो उसके परिसर में छोटे छोटे भाग तक सीमित थे, और ये जो मंदिर था ये बहुत सारे कामों के लिए उपयोग किया जाता था। इसमें देवी देवताओं की मूर्तियाँ वगैरह थी, इसमें मूर्तियाँ वगैरह थी, यहाँ पे पूजा होती थी, यहाँ पे संगीत होता था, यहाँ पे नृत्य होता था, यहाँ पे नाटक होते थे, ये कार्यक्रम होते थे इन मंदिरों में। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों ये विरूपाक्ष मंदिर। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं विट्ठल मंदिर के बारे में। विट्ठल मंदिर यहाँ का दूसरा देवस्थल था, ये बहुत ही रोचक है, इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में जानते हैं। यहाँ के जो मेन देवता थे वो थे विट्ठल, ये जो विट्ठल थे यहाँ के मेन देवता थे, इसीलिए इसको विट्ठल मंदिर कहा जाता है। ये क्या है, मेनली ये जो महाराष्ट्र है ना हमारा महाराष्ट्र, यहाँ पे विष्णु भगवान के जो एक रूप है, विष्णु भगवान के एक रूप है, उनके रूप में पूजा की जाती है, जिसको विट्ठल कहा जाता है। इस देवता की पूजा को कर्नाटक में आरंभ करना और उनके माध्यमों को दो तक है कि कर्नाटक वगैरह में भी ये हुआ था। ये सारी बात है साउथ की, आपको पता है ये दक्षिण भारत की तरफ ही था, ये हमारा विजयनगर साम्राज्य, तो वहाँ की बातें हैं बच्चों ये सारी। तो ये जो मंदिर था ये भी फेमस था और ये काफ़ी बड़ा था, इसमें बहुत सारे सभागार थे। ठीक है, ये रथ के आकार का था, मतलब इसके जो डिजाइन वगैरह थे वो रथ के आकार का था, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा अनूठा लगता था, विचित्र लगता था। ठीक है, मंदिर परिसर जो था उसमें उसकी जो विशेषता थी वो थी रथ गलियाँ, जो कि मंदिर के जो गोपुरम थे उसमें सीधी रेखा में जाती थी, और इसका जो फर्श था वो पत्थर के टुकड़ों से बनाया गया था। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं, और बाकी किलेबंदी वगैरह हो रखी थी। तो इन सारी चीजों को आप अच्छे से समझ गए हो बच्चों, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे हैं कि असहयोग आंदोलन ने गांधी जी को एक राष्ट्रीय नेता कैसे बना दिया, स्पष्ट करो। असहयोग आंदोलन जो था इसके बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं। तो बच्चों मैं आपको थोड़ा ना डिटेल में बता देता हूं, आप थोड़ा सा समझना, क्योंकि डायरेक्ट आंसर बता पाना पॉसिबल नहीं होगा। थोड़ा डिटेल में जानो कि महात्मा गांधी जो थे उन्होंने क्या करा था, चंपारण में जाके अपना आंदोलन चलाया था। चंपारण के बाद वो गए थे खेड़ा, वहां पे उन्होंने खेड़ा में लोगों के लिए, उनकी मदद के लिए आंदोलन चलाया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेजों ने क्या किया था कि जो पहला विश्व युद्ध चल रहा था ना 1914 से 18, उस टाइम पे अंग्रेजों ने प्रेस पे प्रतिबंध लगा दिया था, जो प्रेस होती है, जो मीडिया वगैरह होती है, जो अखबार वगैरह छापती थी, उस पर बैन कर दिया था, और प्रेस पे बैन कर दिया था और बिना जांच के कारावास की अनुमति दे दी थी, यानी किसी को भी जेल में डाल दो कोई जांच वगैरह नहीं होगी, कारावास की अनुमति देती थी। ठीक है, तो ऐसे में क्या हुआ था कि जो सिडनी रोलेक्ट थे, जो उस टाइम पे अंग्रेज थे, उनका नाम था सिडनी रोलेक्ट, उनकी अध्यक्षता में एक समिति आई थी, उसके आधार पे ये कठोर नियम लागू हुए थे कि प्रेस को प्रतिबंध करो और कारावास में डाल दो कोई, अगर किसी को शक हो रहा हो या कोई, मतलब बिना जांच के किसी को भी कारावास में डाल दो। तो ठीक है, सिडनी रोलेक्ट, अब याद रखो उस अंग्रेज का नाम था सिडनी रोलेक्ट, तो इन्हीं के नाम पे महात्मा गांधी ने इस चीज के खिलाफ एक आंदोलन चलाया जिसको कहा गया रोलेक्ट एक्ट। ठीक है, रोलेक्ट एक्ट कहा गया इसको। तो ये जो आंदोलन था ये फैलने लगा, दुकानें वगैरह इसके विरोध में बंद करी जाने लगी,
इसका काफी विरोध हुआ। और फिर बाद में क्या हुआ था कि जो महात्मा गांधी जी थे, ठीक है, उनको क्या हुआ था, पंजाब जाते समय गांधी जी को कैद कर लिया, जब महात्मा गांधी पंजाब जा रहे थे तो उनको कैद कर लिया गया था महात्मा गांधी को। जो स्थिति थी वो धीरे धीरे तनावपूर्ण होने लगी, क्योंकि महात्मा गांधी जो थे वो बहुत फेमस थे। फिर अप्रैल 1919 में क्या हो गया था कि अमृतसर में आपने वो घटना सुनी होगी, जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसमें किस तरीके से मतलब निर्मम तरीके से लोगों की हत्या कर दी गई थी, 400 से अधिक लोग मार दिए गए थे 1919 में। ध्यान रखना, मैं आपको क्वेश्चन बताने से पहले पूरे पीछे ले जा रहा हूँ, सारा कॉन्सेप्ट आपको बताते हुए आगे आपको क्वेश्चन पे ले जाऊंगा। फिर उन्होंने क्या करा, ये जो आंदोलन हुआ था ना 1919, इससे मतलब बहुत बुरा असर पड़ा था। तो रोलेट सत्याग्रह से गांधी जी जो थे वो एक सच्चे राष्ट्रीय नेता बन गए थे, यानी इस एक्ट के बाद महात्मा गांधी एक सच्चे क्या बन गए थे, राष्ट्रीय नेता। यहां पे भी कुछ बात ऐसी चल रही है राष्ट्रीय नेता की, तो अब समझो थोड़ा सा आगे। रोलेट एक्ट से उनकी इमेज बहुत अच्छी बन गई। इसके बाद क्या हुआ कि राष्ट्रीय नेता बन गए, वो बहुत उत्साहित थे क्योंकि पूरे देश में महात्मा गांधी का नाम फैल चुका था। अंग्रेजी शासन के खिलाफ उन्होंने असहयोग अभियान की मांग कर दी, उन्होंने बोल दिया कि भाई अब हम करेंगे असहयोग। असहयोग का मतलब था कि हम अंग्रेजों को किसी भी तरह का कोई सहयोग नहीं करेंगे, इसीलिए इस आंदोलन का नाम असहयोग रखा गया, यानी अंग्रेजों को सहयोग नहीं करेंगे तो असहयोग आंदोलन की मांग कर दी। जो भारत भारत में उपनिवेशवाद को खत्म करना चाह रहे थे उनसे आग्रह किया, महात्मा गांधी ने बोला जो चाहते हैं कि भारत आजाद हो या अंग्रेज यहां से जाए, उनसे उन्होंने आग्रह किया कि स्कूल जो है, कॉलेज जो है, न्यायालय जो है, जो मतलब स्कूल है, कॉलेज है, न्यायालय जाना बंद कर दो। हाँ, कि कोई स्कूल नहीं जाएगा, कोई कॉलेज नहीं जाएगा, कोई कोर्ट में नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा, असहयोग करो, मतलब किसी भी तरह का सहयोग नहीं करो। तो इस तरीके से कि बहुत लोगों ने क्या करा, परित्याग कर दिया, ठीक है, इन सारी चीजों को छोड़ दिया, असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। और भारत एक, उन्होंने महात्मा गांधी ने यह कहा था कि अगर हमने पूरे एक साल तक असहयोग आंदोलन को अपना लिया ना, तो भारत को सिर्फ एक साल में आजादी मिल जाएगी, एक साल में भारत को स्वराज मिल जाएगा, ऐसा कहा था महात्मा गांधी ने। तो उसी टाइम पे क्या हुआ था, ये जो खिलाफत आंदोलन वगैरह था उसके साथ भी हाथ मिला लिया गया था। खिलाफत आंदोलन, अब ये आपको शायद खिलाफत आंदोलन वगैरह समझ में ना आए तो आप चैप्टर की वीडियो जरूर देखो, मैंने चैप्टर की वीडियो बना रखी है इस महात्मा गांधी वाले चैप्टर की, आप सर्च करोगे तो इसके 2 से 3 पार्ट है, उसमें मैंने कवर किया है बहुत बातों को और ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ाया है। आप ये मत सोचना कि सिर्फ 10 चैप्टर है, आगे के चैप्टर बनाए हुए हैं मैंने, वहां से आप देखो। तो बच्चों ये जो 10वां ये जो चैप्टर है यहां से आप देख लेना, वहां मैंने सब कुछ बताया है। तो उसके बाद क्या हुआ, जब ये इससे हाथ मिलाया तो मुस्लिम लोग जो थे वो भी महात्मा गांधी के बिल्कुल साथ आ गए और हिंदू मुसलमान मिल गए और एकता हुई और इन्होंने मिलकर मतलब कसम खाई कि अब हम क्या करेंगे, अंग्रेजों का खात्मा करेंगे, अब हम सिर्फ असहयोग के जरिए अंग्रेजों को यहां से हटाएंगे। उस टाइम पे क्या हुआ कि आंकड़े जो लगाए गए उसमें कहा गया कि 1921 में 396 हड़तालें हुई हैं, 6 लाख श्रमिक वगैरह जो थे इसमें 70 लाख कार्य दिवसों का नुकसान हुआ, इतना ज्यादा मतलब नुकसान हुआ था। तो इस तरीके से असहयोग आंदोलन जो था वो चल रहा था। लेकिन क्या हुआ, असहयोग आंदोलन से महात्मा गांधी की इमेज अच्छी हो गई थी, बहुत जबरदस्त लोग उनको जानने लगे थे, उनकी इमेज पहले भी अच्छी थी लेकिन राष्ट्रीय नेता के रूप में उनको यहां पे लोग जानने लगे। फिर एक गलत घटना हो गई, वो गलत घटना क्या थी, वो गलत घटना थी कि 1922 में सॉरी 1922 में चौरी चौरा घटना सुनी है आपने, चौरी चौरा घटना जहां पे क्या हुआ था, पुलिस स्टेशन पे आग लगा दी गई थी, ऐसा माना जाता है कि उसमें कुछ पुलिस वाले भी मर गए थे जल के, ये लगा दी गई उपद्रवियों ने ऐसा कर दिया। तो उसके बाद जो था कि असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी को वापस लेना पड़ा, क्योंकि जो आंदोलन था वो आंदोलन था असहयोग का मतलब शांतिपूर्वक आंदोलन था, लेकिन हिंसा नहीं होनी थी, लेकिन यहां तो हिंसा हो गई, आग लगा दी गई है पुलिस चौकी को। ऐसे में क्या हुआ बच्चों, ऐसे में महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस लिया और महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया, राजद्रोह का उनपे क्या लगा दिया गया, उनपे आरोप लगा दिया गया। तो इस तरीके से महात्मा गांधी जेल में गए तो और ज्यादा मतलब उनके प्रति लोगों के मन में श्रद्धा भाव जग गया और वो बहुत बड़े लेवल पे आंदोलन था, इसलिए हम कह सकते हैं कि
असहयोग आंदोलन ने गांधी जी को एक राष्ट्रीय नेता के रूप में बना दिया। तो बच्चों पूरी कहानी मैंने आप समझाई है, मैं डायरेक्ट भी आपको समझा सकता था लेकिन वहां पे ना थोड़ी दिक्कत हो सकती थी, आपको शायद पीछे की चीजें समझ में ना आए, इसके लिए आप चैप्टर देखो, वीडियो देखो, तब आपको समझ में आएगा। देखो कुछ विद्वान ऐसा क्यों मानते हैं कि भारत का बंटवारा एक सांप्रदायिक राजनीति का आखिरी बिंदु था, इसलिए मानते हैं क्योंकि जो मुस्लिम लीग थी वो बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थी। समझाया गया था कि देश के टुकड़े नहीं होने चाहिए, लेकिन मुस्लिम लीग नहीं मानी, एक ही बात पे अड़ गई कि देश का बंटवारा होना चाहिए, अलग देश बनाने चाहिए मुसलमानों के लिए, ये सब। और बहुत सारे लोगों ने इस टाइम पे हिंसा वगैरह हुई, लाखों लोगों की जान गई, हजारों लाखों लोग उसमें मतलब बेघर हो गए, हत्या, बलात्कार, कितनी जो मतलब गलत घटनाएं हुई थी। तो ये माना जाता है कि ये सांप्रदायिक राजनीति, कहीं ना कहीं ये सांप्रदायिक राजनीति है धर्म को लेकर, और इसमें जो मेन थे वो थे जिन्ना, इन्होंने आग लगाई थी ये सारी, जिन्ना की वजह से ये सब हुआ था। जिन्ना ने क्या करा था कि मतलब हिंसा पे उतारू कर दिए थे, हिंसा पे उतारू हो चुके थे, और ये जो सब कुछ हुआ था ये सब गलत था। तो जो चैप्टर ये है इसके चैप्टर को आप पढ़ो, वहां से आपको ये डिटेल में पता लगेगा। मेनली मैंने आपको मेन पॉइंट यहाँ पे बता दिए हैं। तो यहां से बच्चों ये जो है ना, ये है हमारा पैराग्राफ, और पैराग्राफ की प्रैक्टिस आपको करनी है। मैं क्वेश्चन पेपर आपको डिस्क्रिप्शन के मैं लिंक के रूप में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करना, ये सारे के सारे आप वहां से पढ़ना अच्छे से। बेसक से आपका एक घंटा दो घंटा लगे, क्योंकि मुझे वीडियो बनाने में भी बेसक से 40-50 मिनट की बनी है अभी वीडियो, लेकिन मुझे 1.5-2 घंटे लग रहे हैं इसे बनाने में। तो ऐसे है कि आपको भी प्रैक्टिस करनी है, कम से कम 1.5-2 घंटे लगाने हैं इसमें, और अच्छे से इन सब क्वेश्चनों को पढ़ना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करनी जरूरी है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं लास्ट, अगर कोई क्वेश्चन बचा है तो उसके बारे में। अच्छा ये मैप बचा हुआ है, इसमें बताया गया है अजमेर हमें बताना है, मुगलों के अधीन एक क्षेत्र, अजमेर जो है वो राजस्थान में है, तो मैप में राजस्थान में दिखाएंगे, ग्वालियर जो है मध्य प्रदेश में है, वहां पे दिखाएंगे इसे। और इसमें कहा गया है ये जो एबीसी है, एबीसी पॉइंट है, इसको क्या करना है हमें देख के बताना है। तो बच्चों आज का आपके लिए मैं देता हूं होमवर्क, आपको एक मैप लेना है या गूगल सर्च करना है। देखो पॉइंट यहां पे है, आपको यहां पे शायद क्लियर ना दिखे, पर जो क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ दूंगा वहां बिल्कुल क्लियर दिखेगा। आपको ये पॉइंट पहचानने हैं कि ये जो राजस्थान में जो जगह है वो कहां पर है, कौन सी जगह है, ठीक है, आपको ये पहचानना है। ये गुजरात में ये जो बी और सी पॉइंट है, ये दोनों जगह है, वो कौन सी जगह है, आपको ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखते हैं कितने बच्चे बताते हैं, और सबसे पहले कौन बताता है उसका नाम अगली वीडियो में शामिल किया जाएगा। तो बच्चों खत्म हो गया यहां से पेपर, तो ये पेपर ज्यादा अच्छी क्वालिटी का ना मिल पाने के कारण ज्यादा अच्छा नहीं बन पाया था, लेकिन आगे के जो क्वेश्चन पेपर है मैं आपको उसके आंसर समेत बताऊंगा, ठीक है, आंसर साथ में ही रखा करूंगा तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, और सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करा करूंगा। आज मुझे मुश्किल से एक पेपर मिल पाया था तो मैंने इसको एक्सप्लेन किया आपके सामने, आई होप आपको समझ में आया होगा। यहां पे हमें ये नहीं है कि हमें 100% हर बात समझ में आ जाए, हमें सिर्फ इतना, अगर हमें 20% भी समझ में आ जाए ना तो बहुत है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, 20% ही समझो, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करो, बुक में सर्च करो, जो भी आपके पास है आंसर, वीडियो देखो, वहां से आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, नॉलेज आपको बढ़ानी है, एकदम से कोई 100% आपके दिमाग में नहीं चली जाएगी बात, वक्त लगेगा, धीरे धीरे 2-4-10 क्वेश्चन पेपर आएंगे तब आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट जरूर करा करें, और शेयर कर दें बच्चों इसे अपने कम से कम 5 दोस्तों के पास। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, और सभी को 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है इसकी हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से, सभी के साथ भगवान करे अच्छा हो, और आपका जो पेपर हो बहुत अच्छा जाए, बेस्ट ऑफ लक सभी को, जय हिंद, जय भारत।